यूएन चीफ के साथ हिरोशिमा से जापानी पीएम फुमियो किशिदा की भी चेतावनी है। दुनिया के सामने अब गंभीर न्यूक्लियर खतरा बना हुआ है। न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड की उम्मीद टूट रही है। किशिदा ये भी कहते हैं कि दुनिया को फिर न्यूक्लियर विनाश की चपेट में न धकेलें। क्या 77 साल पुराना इतिहास एक बार फिर दोहराया जाने वाला है? क्या एक बार फिर एटमी हमले की आग भड़कने वाली है? यूक्रेन पर रूस के हमले और ताइवान के खिलाफ चीन का भड़काऊ एक्शन को जैसे ही आशंकाएं पैदा कर रहा है, डर है कि कहीं पूरी दुनिया को तबाह करने वाले परमाणु महायुद्ध की शुरुआत ना हो जाए। नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका के एटमी हमले का दर्द झेल रहे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कुछ ऐसी ही आशंका जताई है। किशिदा ने कहा है कि दुनिया इस वक्त सबसे गंभीर न्यूक्लियर खतरे से गुजर रही है। दुनिया को न्यूक्लियर महाविनाश से बचाने के लिए जिम्मेदार मुल्कों को मिलकर कोशिश करनी होगी। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा उसी हिरोशिमा के हैं जिसने आज से ठीक 77 साल पहले यानी 6 अगस्त 1945 को दुनिया के पहले एटम बम का हमला झेला था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु हमले के 3 दिन बाद नागासाकी को भी निशाना बनाया था। इन दो हमलों के बाद दूसरा महायुद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन इसमें करीब 2.25 लाख लोगों की मौत हुई थी और इससे पैदा रेडिएशन का असर जापान आज भी झेल रहा है। अब आपको 77 साल पुराने इतिहास के पन्नों से रूबरू करवाते हैं। अमेरिका के गलत फैसले से कैसे हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद हो गया था, ये रिपोर्ट आते हैं। आज 6 अगस्त है यानी कभी ना भूलने वाली वो तारीख है जिसने जापान के हिरोशिमा को नेस्तनाबूद कर दिया था। 1945 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने मानवता को शर्मसार करने वाला फैसला लिया। अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जिसमें 1,40,000 लोग मारे गए। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने रेडिएशन की मार झेली और आज भी वहां की पीढ़ी रेडिएशन की मार झेल रही है। 1945 में 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर भी परमाणु बम गिरा जिसमें करीब 40,000 लोग मारे गए। 77 साल पहले हुए इस खौफनाक मंजर की तस्वीरें जब भी सामने आती हैं दुनिया सहम जाती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी की 77वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर आज मेमोरियल पार्क में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस शामिल हुए। साल 2010 के बाद यह पहला मौका है जब किसी यूएन चीफ ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया हो। इससे पहले बान की मून इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। हिरोशिमा में आज हुए इस कार्यक्रम में 98 देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जबकि यूक्रेन पर हमले वाला रूस और उसके सहयोगी बेलारूस को आमंत्रित नहीं किया गया। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।